हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का आज जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है टीयर टू का 29th of September 2019 को, उसी बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले कि किस लेवल का आपका एग्जामिनेशन था। सबसे पहले आप स्लाइड्स देख लीजिए कि किन किन स्लाइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग और कुछ बातें करेंगे जो कि आपका टीयर थ्री का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका टीयर टू का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 नंबर्स के आपके दो पैसेजेस पूछे गए थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी काफी पहले 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको 2020 नंबर्स के यहां पर आपको दो पैसेजेस पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पैसेज आपका जो था वो इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज आप कह लीजिए, और सेकंड पैसेज जो था आपका आपका जो लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी टू इंग्लिश आप इसे कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो है लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में, ठीक है। लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उन कैंडिडेट को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज हम लोग कहेंगे जो कि मॉडरेट लेवल का था, और हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पर जो पैसेज था वो थोड़ा टफ लेवल का था, ठीक है। डिफरेंट कैंडिडेट के डिफरेंट कमेंट है, मैं कमेंट भी आपको दिखाऊंगा। क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे 20 थे, बट ये 20 नंबर जो थे ये आउट ऑफ 50 है, बट आपका यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हुआ है वो हुआ है 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर का आपका एग्जामिनेशन हुआ है और क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर आपको 20 लेकर आना है। तो कहने का मतलब आपका ये है कि आप जितने भी कैंडिडेट यहां पे टीयर 2 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं वह सारे कैंडिडेट जो है टीयर 3 एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो टीयर 3 एग्जामिनेशन आपका जब भी होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है इंटरव्यू के बारे में या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा, ठीक है। आपके मैक्सिमम अगर कमेंट आएंगे तो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और पूरी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे हमारे इस चैनल पे, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट के टीयर 3 के बारे में आपको डिटेल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और डिटेल आपकी तैयारी कर दी जाएगी, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी लूंगा, काफी बेहतरीन वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको उसके लिए करना होगा, कमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आपका आज जो एग्जामिनेशन हुआ है वो हुआ है 40 नंबर्स का और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है 20। तो यहाँ पर आपका जो टीयर 3 का एग्जामिनेशन बचा हुआ है उसमें आपका जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टीयर 3 में आपका जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 10 नंबर का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान आपको यहाँ पर 10 नंबर का यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, और इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जब आपका होगा वो अलग से आपका यहाँ पर 50 नंबर्स होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका टीयर 1 और टीयर 3 मिलाकर यहाँ पर आपका मेरिट बनने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए ये 50 नंबर्स, ठीक है। तो 50 नंबर्स के लिए क्लासेस रेगुलर करवाना है या नहीं, वीडियोस अपलोड करना है या नहीं, उस बारे में आपको कमेंट कर देना है। आपको यहाँ पे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए और एक मौका दिया जाएगा 10 नंबर्स के लिए, जिसमें आपकी स्पोकन एबिलिटी, ठीक है, लोकल लैंग्वेज स्पोकन एबिलिटी आपकी चेक की जाएंगी 10 नंबर्स की, तो वहां पर भी आप मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकते हो, ठीक है। टीयर 3 का डेट जो है एग्जाम डेट अभी अनाउंस होने का है, जब भी इसका डेट अनाउंस हो जाएगा उस बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आप में से काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट हमको देखने मिल रहे हैं, वो कमेंट हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसी कैंडिडेट का कमेंट आया हुआ है, इजी था, लेंथी था, ठीक है, टाइम कम पड़ रहा है लोगों को, ठीक है, लेंथी पेपर था। आई लेफ्ट लास्ट पैराग्राफ ऑफ बोथ क्वेश्चंस, यानी लास्ट के पैराग्राफ जो है काफी कैंडिडेट ने यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। देर आर टू पैसेजेस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, तो ये कैंडिडेट के भी यहाँ पे डिटेल में कमेंट आया हुआ है। पेपर जो था थोड़ा लेंथी था करके ऐसा कमेंट आया हुआ है। उसके बाद कमेंट आया हुआ है, फर्स्ट पैसेज वॉज डिफिकल्ट, सेकंड वन वॉज इजी, टू लेंथी, नॉट एबल टू कंप्लीट वन पैराग्राफ। तो काफी सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, पूरा पैसेजेस जो है किसी ने भी यहां पर कंप्लीट नहीं किया है। 90% कैंडिडेट ने यहां पर जो है पैराग्राफ को छोड़े हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये भी वैसे जो है क्वालिफाइंग इन नेचर का था, ठीक है। शॉर्ट टाइम मिला है, फेल्ट लिटिल शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम की कमतरता यहां पर देखने को मिल रही है, लेंथी था इंग्लिश टू हिंदी पार्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ग्रुप है वहां पर भी मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था, तो वहां पर भी आपको कमेंट देखने को मिलेंगे। लेंथी पेपर था करके यहां पर कमेंट आया हुआ है, हिंदी टू इंग्लिश वॉज इजी, इंग्लिश टू हिंदी वॉज टफ। तो यहां पर हिंदी टू इंग्लिश किसी कैंडिडेट को इजी लग रहा है तो किसी कैंडिडेट को यहां पर इंग्लिश टू हिंदी इजी लग रहा है, ठीक है, वाइस वर्सा है, इंग्लिश टू हिंदी वॉज टफ। बट मार्क्स टू 20 चाहिए वो आ जाएंगे, आगे का क्या प्रोसेस है बताइए। इनका कमेंट आया हुआ कि आगे का प्रोसेस क्या है, तो जिस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इंग्लिश टू बंगाली तो बंगाली के बारे में भी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है वो काफी अच्छा गया हुआ है, काफी कैंडिडेट का, सभी कैंडिडेट के यहाँ पे कुछ पैराग्राफ छूटे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टीयर 3 का एग्जामिनेशन होगा जिसमें
आपका स्पोकन एबिलिटी टेस्ट होगा तो उसके लिए सभी कैंडिडेट को यहाँ पर अपियर्ड होना है, तो वहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा। 10 में से आपको वहाँ पर मैक्सिमम नंबर लेके आना है ताकि जो आपका ये टीयर 2 का एग्जामिनेशन हुआ है वो नंबर्स आपके कवर हो जाए। काफी ध्यान से आपको बातों को सुनना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए, और टीयर 3 के क्लासेस स्टार्ट करना है क्या ऑनलाइन उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज़।